सो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे नाम ट्रैशी भास्कर, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में केना ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स के। तो आज हम करने वाले हैं फेस हंटर, इस बॉस का नाम है हंटर, मैं बोलता रह गया। मैंने सोचा कहाँ, क्यों बॉस क्यों नहीं आ रहा अभी तक, पता चला यहाँ पर पहले ये पजल करनी है, फिर वो बॉस आता है वो चौधरी की तरह। अच्छा वहीं पर ही मारना था मेरे को, सॉरी। ओके डन। अब देखना मैं क्यों बता रहा था कितनी इरिटेटिंग वाली मॉन्स्टर है, बिकॉज बहुत हिलना पड़ता है इसको मारने के लिए यार, पापड़ पेलने पड़ते हैं। हंटर देख रहे हो, दरिया में आती बाप रे बाप, कितनी डेडली लग रही यार ऑलरेडी। मान मेरा तो रूह कांप रहा है इसको देख के। हिला दिया बंदे ने और कुछ नहीं। उड़ना भाई, वेर इज शी, आई कैन सी यू मैन और वुमेन, आई डोंट नो। नया फेज मैन, ओह शूट, पेरिशी भाई, करदा दिया मैन, करदा दिया। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं बट इसका मतलब है पेल दिया। सो नाइस, यही तो चाहिए था ना। मैं ट्रैप थी, मुझे लग रहा था ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा वक्त देने वाला है, बट ये वन टेक में हो गया यार।
सो नाइस। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था बिल्कुल भी नहीं कि एक टेक में हो जाएगी भाई। मजा आया। तो उसका मतलब ये कि हमने लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट बॉस से लड़ना है। ठीक है, रेलिक भी डिस्कवर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पर हेल्थ भी बढ़ गई, आई गेस एनाफ हो गई। चलते हैं तोशी चचा के पास। ठीक है, तोशी चचा के पास थोड़ा यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट लेके आते। विलेज लीडर हॉल, ये भी एक तरह से बहुत ही कोल्ड बैटल होती है एक्चुअली। ये जो बैटल होती है आर पार, मरने के चांस बहुत ज़्यादा, वैसा वाला। लेट्स सी क्या होता है। Your will is strong, spirit to guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come! हालत खराब होने वाली है बॉयज, देख के लग रहा है, डर लग रहा है, फट के हाथ मार रखे ऑलरेडी। अबे यार वेस्ट हो गया है, पता है, कोई नहीं। ये यार ये खराब लगा मुझे, बहुत ज्यादा ही खराब लगा मुझे एक्चुअली। ये प्लान था ही नहीं। यार और ये तो पता नहीं कैसे काम करता है। है यार ये कैसे काम करता है देवा, ये मिस कैसे होते मेरे को भी बता सकता है देवा। अरे रो, कभी कभार इतना कमाल के तरीके से लगता है मिस जब होता है ना, बहुत ही गलत अपॉर्चुनिटी बनाता हूँ मैं उसके लिए एक्चुअली। ओ ब्रो, आराम से ब्रो। देखो नहीं बहुत, यू नो व्हाट, बहुत, ये इसका सेकंड फेज है, आई मीन ये इसका नया फेज है। मैं बता रहा हूं ये न्यू गेम प्लस में एनिवर्सरी में है। ओह नो, आई नीड हेल्थम दृष्टिकोणम। काम क्यों नहीं किया? ओह नो, काम नहीं किया यार एकदम।
डेफिनेटली डेडली है। तो वो स्पिरिट डैश चुकी मेरे हाथ में नहीं है, लाइक क्या मतलब बहुत टाइम मिस होता है वो, पता नहीं क्या चक्कर है। जैसे कि मैंने बताया कि परफेक्ट नहीं अमान, बट वही बात है करप्ट टोशी इज ऑन फायर। हाँ ये क्या फिर भी फटा यार, ये तो गलत है। इतना शानदार है ना, ये कैसे कैसे एग्जिट हो सकता है भाई। बाप रे बेधड़ मारा यार, बेधड़ 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 अलग ही लेवल की पिटाइयां कर रही है मान। ये अपने आप को हील कर रहा है। ये भाई ये मिस हो गया ना बस, अब मैं गया, मेरे पास वैसी हेल्थ नहीं थी। चलो कोई नहीं, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हरा दिया हमने, लेट्स गो बेबी, सो नाइस। सांस निकल गई मान, तो पहली बार मैं इसलिए हैरानी पाया बिकॉज मैंने ढंग से रॉड बॉम्ब वाला मूव जो है ना वो दिया नहीं। इन्फ्यूज बॉम्ब टुगेदर दैट रॉड आर क्वाइट पावरफुल बट आई हैव फेस्ड देम वंस बिफोर। You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. Oh, बेचारे ने आने की कोशिश भी करी थी। And that's why वो final boss बन जाता है। टाइम कन्फ्रंट तोशी एंड द माउंटेन श्राइन, वही यहां पर फाइनल बॉस है एंड जो कि हमारे ही रॉट एक ड्रैगन का फॉर्म लेते हैं। एंड पता नहीं ये बैटल कैसा हो, इसमें तीन फेज आते हैं माउंटेन श्राइन का जो कि बहुत ही डेडली है। पता नहीं ये सर्वाइवल वाली बैटल है यार, पता नहीं क्या होगा इसमें, कुछ नहीं पता मेरे को। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बराबर रहे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट आई गेस, ये मैं कह सकता हूँ।
ये रहा वो रोट जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। इसका एक शॉट आपकी हड्डी गोल कर सकता है, पता भी चलेगा नहीं। नाइस। ओह नो, मेरे बॉस। सो नाइस। ये सेकंड फेज है, इसमें अल्टीमेटली हमने सरवाइव करनी है, बट करते गए हमने, आई मीन सेकेंड फेज अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद एक और है जैसे पिटाई होगी और खतरनाक तरीके से। दिस वन, यहाँ पर कितनी गलत सिचुएशन है पता भी किसी को, हेल्थ एकदम नहीं है, मुझे यहाँ पर दूसरा चांस इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैं अभी चेंज नहीं कर सकता। एक और बार हमने खेलना पड़ेगा ये डेफिनेटली, पता ऐसा लग रहा है।
डेफिनेटली हमें खेलना पड़ेगा एक और बार। लास्ट फेज बॉयज एंड गर्ल्स, क्या मैं कर सकता हूँ? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा परीक्षा, क्या बोलते हैं स्क्वायर, परीक्षा होगी मेरे लिए। लग तो नहीं रहा मैं कर पाऊंगा। मुझे एक चाम स्टोन की दरकार थी, शायद मैं अगर मैं वो लेके आता ज्यादा बेटर होता। वैसे ही हेल्थ नहीं यहाँ पर। काश यहाँ पर मैं हेल्थ ले पाता, कितना सही हो जाता है ये पोर्शन। ये लास्ट फेज है बट यार हेल्थ नहीं है बोल के डर लग रहा है, और कुछ नहीं, बहुत डेडली फेज है ये। His back boys and gates. Oh no. ये क्या हुआ यार, मैंने पता नहीं डैश हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। काम हो गया बॉयस। काम हो गया बॉयस, क्या कहा था मैंने? कुछ चीजें रहेगी मैं कंप्लेन करता रहूंगा। रिस्पॉन्सिव नहीं है गेम। डैशेबिलिटी का सवाल क्यों नहीं हुआ? कोई नहीं भाई साहब, पेड़ डाला चौधरी को चांडी माल की तरह एकदम। ये रहा हमारे सामने तोशी। क्या एक और बॉस बैटल करनी तेरे को? अच्छा अगर करनी है तो, इवन तो मेरी फटकी थी पर मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। Our ancestors trusted in the power of the mountain shrine. Its waters nurtured our village, gave us life.
strengthened our connection to the spirit realm. ये सारे मास्क हैं भाई। I could not understand why he would betray us. Spirit mask. Our home was crumbling. And the people looked to me for answers. I failed them. And could only watch as life drained from the village. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? People must die. Why? Tell me! Don't turn your back on me. Listen to me! Once told me, change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose. Fear drove my actions, and I destroyed
something beautiful. If I had just listened to Zajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Itoshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Come, Toshi. Our time here is over. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Damn. So ultimately, वो natural cycle को break करने की ये पूरी consequences है, man. क्योंकि शायद avoid हो सकता था, but जैसे कि बताया, grief एक natural process है, but उसके बावजूद, man, बहुत ही पूरी तरीके से किसी भी हार्म नहीं कहूँगा मैं, इफेक्ट कर सकता किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को, मैन. सो या फॉर श्योर, गुडबाय लिटिल फ्रेंड. बड़ी आपकी आपके हाथ में होता है कि आप कौन सा पाथ लोगे उसके बाद. ये रहा, ये रॉड गॉड है ना, इसका छोटा ब्रज हमने सारा मिला डाला है. Bridge of Spirits. मैं बताऊँ ये गेम स्पेशल थी मैन, लाइक सही में. अल्टीमेटली वो नेचुरल साइकिल मैं उम्मीद कर रहा हूँ वापसी आ चुकी है इस रॉड गॉड के कारण. तो ये जिंदगी में भी अप्लाई वैसी होती है, लाइक बहुत कुछ चीज़ें होती है हमारे ज़िंदगी में जो हमारे हाथ में नहीं होती है, एंड वो हो जाती है, बट अगर हम उसको किसी के ऊपर दोष दें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर रॉड गॉड पर इसने दोष दिया, उसने वो जवाबदारी नहीं सुनी, वो डायरेक्ट इन कन्फ्रंट करने गया बहुत ही गलत वे में, जो कि डेफिनेटली गलत ही कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ पूरी तरह गेम को ले गया. एंड करप्शन हर जगह आया, अच्छे से अच्छा इंसान करप्ट हो गया, मॉन्स्टर के रूप में तब्दील हो गया, जो कि बहुत ब्रूटल है. एक नेचुरल साइकिल है जिसको ब्रेक करना कभी भी सही आइडिया नहीं रहता है. सो वही अल्टीमेटली हमने यहाँ पर इस गेम से सीखा.
और भी चीजें यहाँ पर जो धीरे धीरे बाद में प्रोसेस करूंगा, तो मैं मे बी मुझे रियलाइज हो, मे बी आपको हो चुकी है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज थी, ये गेम इम्परफेक्ट थी बट उसके बावजूद इस गेम में जादू था जो इसने दिया। आई मीन ये जादू को मैं एहसास कर पाया, तो मैं एग्री करता हूँ ये गेम डेफिनेटली, मैं तो इसको 9 नहीं दूंगा अगर मुझे रेटिंग देनी होगी यहाँ पर। बहुत ही कमाल की गेम, ये डिजर्व करती है जो भी इसको प्रेज मिल रही है, बहुत ही कमाल का। एंड इसका म्यूजिक तो कमाल का था, साउंड मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ऑसम। ये स्पेशल गेम है, मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगा, एंड यही रीजन था मैंने इसको 2 बार कंप्लीट कर दी इसी के साथ और प्लैटिनम करी। तो अगर आपने सीरीज को एंजॉय करी, बराबर तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकने का है। हम मिलेंगे दूसरे सीरीज के संग बराबर तरीके से।